अंतराल संशोधन संस्था इसरो ने नियंत्रक पदभार प्रति नियुक्ति कार्यरत श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रसन्ना बिद्री बनी नागपुर जिले की नई विभागीय आयुक्त। इस मौके पर अतिरिक्त विभागीय आयुक्त का पदभार संभाल रहे राधाकृष्णन बी, इन्होंने पुष्पगुच्छ देकर नई विभागीय आयुक्त प्रसन्ना को स्वागत किया। इस मौके पर विभागीय आयुक्त के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी विमला आर खास तौर पर मौजूद रहे। जब देश में आधार कार्ड की संकल्पना पेश हुई थी, तब महाराष्ट्र में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर इसका काम आरंभ हुआ था। महाराष्ट्र में यह प्रोजेक्ट सफल और फिर देश में लागू किया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया की धुरा सूचना तकनीकी विभाग की संचालक के तौर पर विजयलक्ष्मी प्रसन्न बिद्री ने संभाली थी। उन्होंने आज प्रभारी विभागीय आयुक्त और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से विभागीय आयुक्त का पदभार संभाला। जिलाधिकारी आर विमला, उपायुक्त आशा पठान आदि मौजूद थी। पदभार संभालने के बाद उन्होंने चुनिंदा पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आधार के पायलट प्रोजेक्ट के नंदुरबार जिले के टेमली का चयन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों इसका शुभारंभ किया गया। गांव के हर नागरिक का आधार कार्ड बनाया गया, उसे राशन कार्ड से लिंक भी किया गया। महासेवा केंद्र आरम्भ करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। कर्नाटक, केरल एवं लक्षद्वीप में स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा पहली बार ऑनलाइन लेने का फैसला भी उन्हीं का था। चंद्रयान 3 में भी उनका योगदान रहा। नागपुर में विभागीय आयुक्त का पद संभालने के साथ उनकी 7 वर्ष बाद महाराष्ट्र में वापसी हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।